देश और दुनिया इस सृष्टि के चाहे कितने बड़े लोग हो जाए और ये कह दे कि सूर्य से ज्यादा रोशनी प्रभाव चांद में है तो भले वो कहते लेकिन दुनिया माने नहीं ना। कार्यकाल में भारत को दुनिया घोटालों का देश भारत कह दिया था, एक उपाधि दे दिया, एक भाई केंद्र में घोटालों का देश भारत का उपाधि दिला दिया, एक भाई बिहार में जंगल राज का उपाधि दिला दिया। अब वो लोग चले हैं विद्वता का पाठ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। बाढ़ के विभीषिका को देखे है ना, जहां देखे उस बाढ़ के पानी में लहर होता है, तरंग होता है, लेकिन कहीं पर कोई पानी स्थिर हो गया तो हम क्या कहेंगे, कोई हाथे में जाके तो हम कहेंगे ये बाढ़ नहीं है, ये डबरा है। एक व्यक्ति के कहने से संसार चलता है क्या? भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में MLC संजय पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहता तो भाजपा शून्य पर आउट हो जाती। इस बयान के बाद पूरे बिहार की राजनीति जो है वो काफी गर्म हो गई। तमाम जो नेता है इस पर प्रतिक्रिया देने लगे और हरीश सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री है उन्होंने जम करके हमला किए हैं संजय पासवान पे और कह दिए हैं कि अगर कोई कहे कि सूर्य से अधिक चांद नहीं देता है तो ये कोई मानने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहा है इस मसले को लेकर के हरीश सहनी, पहले उनकी बयानों को सुनिए। चलिए भाई, हम न्यूज नहीं देख पाए हैं लेकिन एक बात ध्यान में आता है कि वार्ड मेंबर पंच सरपंच मुखिया पंचायत समिति प्रमुख विधायक सांसद में देश और दुनिया इस सृष्टि के चाहे कितने बड़े लोग हो जाए और ये कह दे कि सूर्य से ज्यादा रोशनी प्रभाव चांद में है तो भले वो कहते लेकिन दुनिया माने नहीं ना। ये क्या बोले हैं मुझे नहीं पता है, शायद हो सकता है उनका व्यक्तिगत अपना राय हो, लेकिन जैसे कोई कह दे इस सृष्टि का कि सूर्य से ज्यादा प्रभाव और चमक रोशनी प्रकाश दिव्यता चांद में है तो उस बड़े व्यक्ति के कह देने से ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में बिहार में आप जो भी विकास हुआ जहां से भी देखिए, जिस समय में लोग जंगल राज कहा करते थे बिहार को, जिस समय में रोड नाला बिजली सड़क था लॉ एंड ऑर्डर सब सकना चूर बना हुआ था, उस समय में भी जो विकास हुआ उस समय कौन थे? NDA के कार्यकाल में सारा विकास हुआ। हमसे भी एक भाई पूछे थे ये आप बड़ा भाई बनकर रहेंगे कि छोटा भाई बनकर, जब गठबंधन इस बार हम लोग का नया होता, मैंने कहा था परिवार चलाने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई से परिवार नहीं चलता है, परिवार रिश्ता से चलता है, भाई भाई के प्रेम से चलता है। मैं उस धैर्य से रहूंगा और इस गठबंधन को दूध और चीनी का मिश्रण के तरह हम ये गठबंधन रहेगा। इसलिए कोई बाबू कुछ कह देते हैं किन्हीं के कह देने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मनीर विधायक कह रहे हैं कि जो सच्चाई थी वो आखिर संजय पासवान ने सामने ला दी। तो केवल वही विद्वान है, केवल वही विद्वान है, उन्हीं के कहने से बिहार के लोग और देश के लोग जान जाएंगे है कि नहीं यही सच्चाई है। कहिए आप सच्चाई यही बोलेंगे तो आपके विद्वता को भी लोग परख लेंगे कि आप कितने विद्वान हैं। बताइए, कहते हैं कि सच्चाई आ गया सामने, सच्चाई सामने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जिस भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया कल कितना सम्मान करता था वही भारत आज है। ये लोग कौन लोग हैं कहने वाले की सच्चाई है, जिनके गठबंधन के कार्यकाल में भारत को दुनिया घोटालों का देश भारत कह दिया था, एक उपाधि दे दिया, एक भाई केंद्र में घोटालों का देश भारत का उपाधि दिला दिया, एक भाई बिहार में जंगल राज का उपाधि दिला दिया। अब वो लोग चले हैं विद्वता का पाठ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए।
चाहिए अपना ज्ञान को जो है ना और विकसित करने के लिए। सम्राट चौधरी जी पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अकेले पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, बाढ़ के विभीषिका को देखे है ना, जहां देखे उस बाढ़ के पानी में लहर होता है, तरंग होता है, लेकिन कहीं पर कोई पानी स्थिर हो गया तो हम क्या कहेंगे, कोई हाथे में जाके तो हम कहेंगे ये बाढ़ नहीं है, ये डबरा है। एक व्यक्ति के कहने से संसार चलता है क्या? अरे हो सकता है किसी कारणवश किसी प्रभाव में आकर हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ व्यक्तिगत मेरा भी कुछ राय अलग होता है कभी कभी, लेकिन जो मास लेवल पर है सब लोग, अरे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, हमारे अमित भाई शाह कह रहे हैं, बिहार कह रहा है, इसलिए भरोसा रखिए बिहार में एनडीए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करके बिहार में एक बिहारवासियों को सुंदर बिहार बनाने का आश्वासन देंगे और सुंदर बिहार बनाने का हमको अवसर पुनः फिर से मिले। तो आपने सुना कि साफ तौर पे हरी सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी कह दे कि सूर्य से अधिक रोशनी चांद देता है तो ये कोई भी मानने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा जिस तरह से काम कर रहे हैं, गांव से लेकर के शहर तक, पूरे देश और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जो नाम कमा रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के नेतृत्व में जो देश और बिहार जो आगे बढ़ रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। और भी कई तरह की बात करते नजर आ रहे हैं इस मसले को। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।